आजकल बहुत सारे फोटोग्राफर्स और बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एक कॉमन गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है कि वो दिन रात काम तो करे जा रहे हैं, उनका अर्निंग भी हो रहा है, लेकिन उस काम में से टाइम निकाल कर वो कभी अपने आप के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे। जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे, समझो दिन रात काम है तो बस काम ही करते चले जा रहे हैं, तो उससे कुछ होने नहीं वाला है। जो अभी तक आपने सीखा है, अभी तक आपको पता है, उसी नॉलेज के बेस पर अगर काम करते जा रहे हो तो आपका अर्निंग तो हो जाएगा, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो वर्क लेवल है, वो कभी लेवल अप नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वीक में से एटलीस्ट एक दिन तो आप अपने आप के लिए टाइम निकालो। टाइम निकालो मतलब क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो, आउटडोर पे जाओ, किसी मॉडल को लेकर जाओ, किसी छोटे लड़के को लेकर जाओ, कुछ किसी को भी लेकर जाओ, लेकिन वहाँ पर कुछ नया ट्राई करो। तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होने लगेगी। एक वीक में से आपने एक दिन भी अपने लिए टाइम निकाला अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी फोटोग्राफी इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। अभी देखिए, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारे फोटोग्राफर्स को बहुत सारे काम होते, तो वो काम कैसे होते हैं कि टाइमिंग बेस पर होते हैं। मतलब समझो इतने बजे वेडिंग है, तो वहाँ पर एक टाइम का लिमिट रहता है, तो वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी आप 100% नहीं दिखा पाते, क्योंकि वहाँ पर टाइम का लिमिट होता है। ओके, लेकिन आप वीक में से जब अपने आप के लिए एक दिन निकाल पाते हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम का लिमिट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कितनी भी क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अगर वीक में से एक भी दिन निकालते हो, तो धीरे 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 1 साल 1.5 साल तक आपका लेवल इतना आगे चला जाएगा ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते। ओके, सो ये था मेरा आइडिया हर एक फोटोग्राफर के लिए। और बहुत सारे एडिटर्स भी है कि जो कंटिन्यू एडिटिंग तो करते जा रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे। ओके, तो वहाँ पर क्या होगा, देखो फोटोग्राफर और एडिटर दोनों के केसेस में यही होने वाला है। अभी जो न्यू फोटोग्राफर्स और एडिटर बन रहे हैं, वो सीख करके बन रहे हैं, तो उनका लेवल अलग रहने वाला है। ओके, तो आप कॉम्पिटिशन पे उनको बीट नहीं कर पाओगे, मतलब मुश्किल रहेगा। तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप कंटिन्यू सीख रहे हो या फिर अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। देखो काम तो है, काम तो ज़िंदगी भर आपको रहने ही वाला है, काम कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। आप सोचोगे कि वीक में से एक दिन मैं वहाँ पर दूंगा तो मेरा काम कम हो जाएगा, तो देखिए काम तो ज़िंदगी भर होने वाला है। आप कुछ करो या ना करो, आप पूरी ज़िंदगी तो काम तो आपको करना ही है, लेकिन जो आपकी लेवल है, आपका जो वर्क लेवल है, उसी से डिफाइन होती है आपकी इमेज। तो आपको अपनी इमेज कैसी बनानी है, आपको अपने फील्ड में अगर मास्टर बनना है, तो आपको अपने लिए एक वीक में से एक दिन तो निकालना ही पड़ेगा। चाहे वो सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, कोई भी टाइम निकालो, लेकिन उस दिन सिर्फ वही करो जो आपको लेवल अप करेगा। जैसे कि यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, कुछ स्टूडियो में अपने ट्राई कर सकते हो, न्यू मतलब कुछ भी करो, लेकिन नया ट्राई करो जो आज आपने अभी से पहले कभी कभी नहीं किया। ओके, तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे बहुत आगे लेकर जाएगी, क्योंकि चेंज ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर चेंज नहीं होंगे तो आने वाले जनरेशन आपको पीछे छोड़ देंगे। तो सोचना आपको है कि जो अर्निंग हो रहा है उस पर स्टेबल रहना है, या जैसे अपडेट हो रही है दुनिया, वैसे अपने आप को अपडेट करना है।